अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। मैं आप लोगों की उर्दू की टीचर मिजानसा। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अब आप लोग बड़े हो गए हैं, पहली क्लास में आ चुके हैं। अब आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत तवज्जा से पढ़ना है। ठीक है, आज हम अपनी कारवान उर्दू में से सबक नंबर पहला पढ़ेंगे, पेज नंबर 1 हम पढ़ेंगे। सब बच्चे हम का पेज निकाल लीजिए, हम लोग हम पढ़ने जा रहे हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम किसे कहते हैं। अच्छा, कौन बच्चा बताएगा हम किसे कहते हैं? चले मैं आप लोगों को बताती हूँ। जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए उसे हम लोग हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, जहाँ आपके हम लिखा देखेंगे तो समझ जाएगा कि उस नज़म में हमारे अल्लाह ताला की तारीफ़ की गई है, तारीफ़ बयान की गई है। जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी बुलंद ख्वानी करने जा रहे हैं, इसमें भी अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है। चले आइए पढ़िए, और मेरे साथ साथ आप लोगों ने उंगली रख कर पढ़ना है, समझना है। ठीक है। पूरा चांद, सितारे, दरख, दिन को रात बनाना, रात को दिन बनाना, चरिंद परिंद, जानवर, हैवान, इंसान, ये सारी कायनात, ये सब किसने बनाया है? रंग बरंगी फूलों से ये ज़मीन किसने सजाई है? ये सब अल्लाह ताला ने बनाया है। इस पूरी कायनात का मालिक कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला। आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें पता करना होगा कि हम क्या होती है। आइए हम अपने कारवाने उर्दू में से सफ़ा नंबर 1 पढ़ेंगे, मगर उससे पहले हम का मायने पता होना चाहिए कि हम की तारीफ़ कैसे की जाए। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह की तारीफ़ की जाए हम कहलाती है। जी प्यारे बच्चों, आप लोग देखें, नज़र आ रहा है आप लोगों को पहला पेज, ये देखें हम लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी। और ये है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। तू ही मालिक, तू ही रब है, तू ही मालिक, तू ही रब है, तेरे जैसा कोई कब है। तो इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला हर चीज़ का मालिक है, हमारा रब है, इस पूरी कायनात को पैदा करने वाला है, और इसके अलावा और कोई ज़ात ऐसी नहीं है जिसको हम अपना रब माने। हम सिर्फ़ अल्लाह ताला को अपना रब मानते हैं, क्योंकि इस पूरी कायनात को बनाने वाले अल्लाह ताला हैं। हमारे दूसरे शेर में लिखा है, तेरे बस में दुनिया सारी, तू ही दाता सब है भिखारी। यानी कि अल्लाह ताला के बस में दुनिया सारी है। ठीक है, ये सारी दुनिया कौन चला रहा है? सारा निज़ाम कौन चला रहा है? अल्लाह ताला। तू ही दाता सब है भिखारी, यहाँ पे दाता अल्लाह ताला को कहा गया है। दाता का मतलब है देने वाला, और भिखारी यानी के फ़कीर, यानी के हम अल्लाह ताला से अपनी ज़रूरत की हर चीज़ मांग रहे हैं। सबसे आला, सबसे बाला, आला का यहाँ मतलब है ऊंचा, बाला का यहाँ मतलब है बुलंद, यानी कि सबसे आला और सबसे बाला ज़ात जो है वो हमारे परवरदिगार अल्लाह ताला की है। तू ही है अल्लाह ताला, शाहों का भी शाह तू है, यानी कि बादशाहों का भी तू बादशाह है, हाकिम है अल्लाह तू ही है। अल्लाह ताला जो हैं वो हाकिम है, इस पूरी दुनिया में हकूमत चला रहे हैं। हाकिम किसे कहते हैं? हकूमत चलाने वाले को।
नाम है तेरा सबके लब पे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नाम है हम सब के लब पे सिर्फ अल्लाह ताला का, अल्लाहु अकबर का मतलब अल्लाह सबसे बड़ा है। आपने अब ज़खीरा अल्फाज जो अभी आपको पेज में नज़र आ रहे होंगे उनको अपनी कॉपी पे उतारना है, नाम लिखना है, ठीक है, क्लास का सेक्शन लिखना है, और आप लोगों ने बुलंद ख्वानी की अच्छे से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हम लोग फिर अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।